कल्पना करो एक विशाल अंधेरा कैनवास जो हर दिशा में अनंत तक फैला हुआ है। यह कैनवास खाली नहीं है, यह अरबों खरबों प्रकाश बिंदुओं से भरा हुआ है। हर एक बिंदु एक आकाश गंगा का प्रतिनिधित्व करता है। अब कल्पना करो कि यह कैनवास अनगिनत अन्य लोगों में से सिर्फ एक है। हर एक कैनवास एक अनोखा ब्रह्मांड, एक अलग वास्तविकता जो हमारे साथ साथ मौजूद है। यह मल्टीवर्स की अचंभित करने वाली अवधारणा है। सदियों से हम रात के आकाश को देखते रहे हैं, हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर सवाल उठाए हैं। मल्टीवर्स थ्योरी इन सवालों को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है। यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड कई में से एक हो सकता है। मल्टीवर्स का विचार सिर्फ साइंस फिक्शन की उपज नहीं है, यह अत्याधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से उत्पन्न होता है। क्वांटम यांत्रिकी, स्ट्रिंग थ्योरी और ब्रह्मांड विज्ञान जैसे सिद्धांत इस बात के संकेत देते हैं। तो तैयार हो जाइए और हमारे अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस की परिचित सीमाओं से परे एक रोमांचक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। हम मल्टीवर्स के दिमाग को झकझोर देने वाले दायरे में उतरने वाले हैं। अपने टेलीविजन की कल्पना करो, हर चैनल को एक अलग ब्रह्मांड के रूप में सोचें। आप सिर्फ एक विचार नहीं है, यह संभावनाओं की एक पूरी श्रेणी है, जैसे आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर। आइए तीन सबसे दिलचस्प प्रकारों का पता लगाएं: बबल यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और डॉटर यूनिवर्स। सबसे पहले बबल यूनिवर्स। हमारे ब्रह्मांड की कल्पना एक बुलबुले के रूप में करें जो बहुत बड़ी जगह में फैल रहा है। अब अनगिनत अन्य बुलबुलों की कल्पना करो, हर एक एक अलग ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। अगला पैरेलल यूनिवर्स। इस प्रकार का मल्टीवर्स क्वांटम यांत्रिकी से उत्पन्न होता है। ताश के पत्तों के एक डेक की कल्पना करो, हर बार एक क्वांटम माप किया जाता है, ब्रह्मांड कई संभावनाओं में शाखा करता है। अंत में डॉटर यूनिवर्स, यह प्रकार ब्लैक होल से जुड़ा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब एक ब्लैक होल बनता है तो वह उसके अंदर एक नया ब्रह्मांड बना सकता है। ये तो बस तीन उदाहरण हैं और मल्टीवर्स की प्रकृति के बारे में और भी कई सिद्धांत हैं। एक मल्टीवर्स के लिए वैज्ञानिक मामला। मल्टीवर्स साइंस फिक्शन की तरह लग सकता है, हालांकि इसके पीछे वास्तविक विज्ञान है। यह भौतिकी के कुछ सबसे सफल सिद्धांतों से उभरता है। ऐसा ही एक सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी है। यह सिद्धांत उप परमाणु स्तर पर पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करता है। क्वांटम यांत्रिकी बताती है कि सबसे छोटे पैमाने पर वास्तविकता नियतात्मक नहीं है, इसके बजाय यह संभावनाओं से भरा है। कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हैं। एक और सहायक स्तंभ स्ट्रिंग थ्योरी है। यह सिद्धांत प्रकृति की सभी शक्तियों को एकीकृत करने का प्रयास करता है। स्ट्रिंग थ्योरी का प्रस्ताव है कि ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंड बिंदु जैसे कण नहीं है, बल्कि छोटे कंपन करने वाले तार हैं। ये तार अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन कर सकते हैं, जिससे कणों और बलों का उदय होता है जिन्हें हम देखते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी अतिरिक्त
स्थानिक आयामों के अस्तित्व की भी भविष्यवाणी करती है, जो संभावित रूप से अन्य ब्रह्मांडों को आश्रय दे सकते हैं। अंत में ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण के अवलोकन बिग बैंग के बाद की चमक और संकेत प्रदान करते हैं। इन प्रेक्षणों ने विकिरण में सूक्ष्म पैटर्न और विसंगतियों का खुलासा किया है, जो अन्य ब्रह्मांडों के साथ बातचीत का प्रमाण हो सकते हैं। जबकि सबूत के ये टुकड़े मल्टीवर्स का निश्चित प्रमाण नहीं है, वे इस बात के संकेत देते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कई में से एक हो सकता है। अंतरिक्ष और समय के धागों से बुनी गई एक विशाल ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री की कल्पना करो। हर धागा एक अलग ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, हर एक अपने अनोखे पैटर्न और डिजाइन के साथ। कुछ धागे हमारे समानांतर चल सकते हैं, जबकि अन्य प्रतिच्छेद या विचलन करते हैं, वास्तविकताओं का एक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ जाल बनाते हैं। यह छवि हमें मल्टीवर्स के विशाल पैमाने और जटिलता को समझने में मदद करती है। यह शून्य में तैरते हुए पेश करती है। इसी तरह मल्टीवर्स में हर ब्रह्मांड वास्तविकता की एक अनूठी अभिव्यक्ति हो सकती है, जो भौतिक नियमों और स्थिरांकों के अपने सेट द्वारा शासित होती है। मल्टीवर्स थ्योरी हमें अपने दृष्टिकोण का विस्तार करने के लिए चुनौती देती है, जो हमारे अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस की परिचित सीमाओं से परे है। यह हमें अनंत संसारों की संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, हर एक की अपनी कहानी बताने के लिए।